आज की रेसिपी में हम बनाएंगे फिश फ्राई। सभी को पता है फिश में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, बहुत हेल्दी होता है ये, और बिल्कुल क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाता है। इसे बनाना बहुत सिंपल है। तो इसमें सबसे पहले मसाले डाल के इसे मैरिनेट करना होता है। तो इसको हम इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि मसाले डालने में आसानी हो। और अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर हमने लिया है यहाँ पर, और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, आप अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालें। इसके बाद इसमें यहाँ पर हम मस्टर्ड और लहसुन का पेस्ट ले रहे हैं। बहुत अच्छी कोटिंग आती है इससे फिश में, और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है मस्टर्ड डालने से। और इसमें यहाँ पर हम थोड़े से हरा धनिया और थोड़े से नींबू निचोड़ देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और 15 से 20 मिनट मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। और जब 15-20 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ गैस पर हमने एक पैन लिया है, और उसमें 5 से 6 चम्मच हमने यहाँ सरसों का तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल है, और बहुत अच्छे से तेल गर्म हो गया है। उसके बाद हम इसमें फिश डालेंगे। तो यहाँ पर हमें शैलो फ्राई करना है। फिश में बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, बहुत कम ऑयल में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि पैन बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, और साथ में जो हम ऑयल डाले हैं वो भी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, फिश बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। तो यहाँ पर हमें इसे क्रिस्पी ब्राउन करना है, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन इसे फ्राई करना है। तो इसको फिश को डालने के बाद एक मिनट तक छोड़ देंगे, तो खुद ही नीचे से अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, बार बार इसे पलटना नहीं है। और फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से पलट देंगे, और दूसरे साइड से भी हम इसे इसी तरह से क्रिस्पी ब्राउन होने देंगे। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर आया है इसका, फिश का हमने कोई कलर ऐड नहीं किया है, और कितने अच्छे से फिश भी फ्राई हुआ है, बिल्कुल पैन में भी नहीं चिपका है। तो इसी तरह से सारे फिश को एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो दूसरे साइड से हम चेक कर लेते हैं। तो अभी दूसरे साइड से थोड़ी देर और छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। जब ये ब्राउन होंगे अच्छे से तभी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है खाने में। तो इसको अच्छे से ब्राउन कर लें। तो दूसरे साइड से भी ब्राउन हो चुका है। यहाँ पर फ्लेम को हमने बिल्कुल मीडियम रखा है, लो फ्लेम पर यदि आप फिश को फ्राई करेंगे तो ये टूटने लग जाते हैं, तो फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखें। तो इसी तरह से सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। तो बाकी के फिश को भी हम फ्राई कर लेंगे, और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। फिश के साथ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस ये अपने आप में इतना टेस्टी होता है, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। और खास करके जो हमने इसमें मस्टर्ड और लहसुन डाला है, इससे बहुत अच्छी कोटिंग आती है और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैम।